नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इंदौर में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर खबर पर नजर की स्पेशल रिपोर्ट। लग सकती है पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा के नाम पर मोहर। इंदौर से भाजपा के महापौर के प्रत्याशी बनने की प्रबल संभावनाएं। मिलनसारिता, सहज उपलब्धता, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहते हुए कराए गए विकास कार्य, विभिन्न गुटों से बेहतर तालमेल आया काम। फेस वैल्यू और कॉमन नाम के मामले से पिछड़े दूसरे दावेदार डॉक्टर निशिकांत खरे। नमस्कार, खबर चैनल और परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय अर्चना कार्यक्रम। इस प्रकार की चर्चा आ रहा है कि महापौर का टिकट यहाँ से तय होगा, लेकिन अब यह बात अभी तक के जो अपडेट मिला है उससे इतर हो गई। दरअसल डॉक्टर निशांत खरे, जिन्हें की सबसे सशक्त दावेदार माना जा रहा था, वो कहीं न कहीं फेस वैल्यू के मामले में पिछड़ गए हैं। वहीं नाम के मामले में दरअसल उनके साथ दो बड़ी तकनीकी दिक्कत है। उनका चेहरा जाना पहचाना नहीं है और इस वक्त इंदौर में लगभग 16,000 मतदाता जो कि महापौर को वोट देंगे उनके सामने ये चेहरा फेमिलियर नहीं है। एक बात, दूसरा ये नाम भी इतना फेमिलियर नहीं। मधुकर वर्मा के नाम को मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। मधुकर वर्मा के साथ सबसे बड़ा प्लस ये है कि वे नगर अध्यक्ष रहे हैं, पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुआ है, काफ़ी कम अंतराज जा रहे हैं। इसके अलावा वे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते इंदौर को उनके द्वारा कई सौगातें दी गई उनके कार्यकाल में। जहाँ तक मधुकर वर्मा की बात है, मधुकर वर्मा को यदि टिकट मिलता है तो विधानसभा क्षेत्र में एक से सुदर्शन गुप्ता से लगाकर पूरे विधानसभा की टीम, विधानसभा क्षेत्र में 4 यानी मालिनी गौड़ और उनकी टीम, महेंद्र हाडिया जो कि उनके बेहतर सहयोगी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, उनकी टीम यहाँ पर उनके लिए लगी रहेगी। इसके अलावा संघ की टीम भी लगी रहेगी। भाजपा में उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोबिलाइज हैं आईटीआई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दो नंबरी खेमे को लेकर कुछ अड़चने हैं, इस प्रकार की बातें आ रही है। हम नहीं कह रहे हैं इसी बातें आ रही है, लेकिन कम से कम ये होगा कि ये सब टीमें एक हो जाएंगी तो फिर बाकी सबको भी साथ आना ही पड़ेगा। इसलिए मधुकर वर्मा को सबसे मुखिया उम्मीदवार माना जा रहा है। अब तक की अपडेट में उनका नाम बड़ा तेज़ी से उभर गया है। उनके नाम, उनकी मिलनसारिता और उनका व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत प्लस जा रहा था। बाकी पार्टी की गाइडलाइन है रमेश मेंदोला न कि रिकॉर्ड तोड़ जीत के शिल्पकार रहे हैं, और इसके अलावा उनके साथ में एक बहुत बड़ा अच्छी बहुत अच्छा कुशल संगठन, चाहे मामला इंदौर के बाहर के उपचुनाव का हो, चाहे कुर्सी सिलावट के चुनाव का हो, चाहे अलीराजपुर के चुनाव का या और भी कहीं हो, जहाँ भी गए हैं उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है। लेकिन गाइडलाइन के साथ वो फिलहाल घर गिरा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की बातें जा रही है कि मध्यप्रदेश में भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, नाम हम किसी का लेना नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहता कि रमेश मेंदोला को